नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके क्लास 10th की मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, तो जिसमें अपने 1.1 को पढ़ लिया था, 1.2 अपने स्टार्ट की थी और 1.2 में अपने पहला भाग कर लिया था। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। तो देखो, दूसरे भाग में अपने को क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो पिछले सवाल तक अपने जो दो क्वेश्चन इसके कर लिए थे, आज अपन इसका करेंगे तीसरा प्रश्न। देखो, तीसरे प्रश्न में क्या है, वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, क्योंकि अपने को इसके अंदर क्या है HCF और LCM निकालना देखना है, जो अपने क्या है पहले पीछे की क्लासों में भी निकालना सीख चुके हैं। तो देखते हैं पहले की जो क्लासे हैं उसके अंदर, अपने पीछे की क्लासों के अंदर HCF और LCM बहुत ही अच्छी तरीके से निकालना सीखा था, उसी तरीके को अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन सीखते हैं। तो इस प्रश्नावली में बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ही इसमें अंदर सावधानी भी रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंस या फिर जल्दबाजी की वजह से अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो उस बातों को अपन ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो देखते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी HCF और LCM फाइंड करना है, कौन सा, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टर के थ्रू आपको HCF और LCM फाइंड करना है। पहला देखो इसका क्वेश्चन ये दे रखा है, जिसके अंदर अपने को क्या करना है ये बताना है। 12 दे रखा है, 15 और 21, यानी 12, 15 और 21, इसका अपने को क्या करना है HCF फाइंड करना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले इसके अपन क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तीनों संख्याओं के। पहले 12 का कर लेते हैं, उसके बाद अपन कर लेते हैं 15 का, और उसके बाद अपन कर लेते हैं 21 का। ये अपने तीनों इसके अभाज्य गुणनखंड इस विधि इस तरीके से आपने छोटी क्लासों में सीखे होंगे निकालने। देखो 12 में सबसे पहले 2 का भाग जाता है तो कितना आएगा 6, फिर 6 में भी 2 का भाग जाता है तो कितना आएगा 3, और 3 में आपको पता है 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 12 को कैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो 2 × 2 × 3, समझ में आ गया आपको। 15 को करते हैं, क्या 15 में 2 का भाग जाता है, नहीं, तो कौन सा जाता है, पहले ही इसमें 3 का भाग जाएगा। देखो 5 का भी जाता है, लेकिन 5 से पहले 3 का जाता है, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब 5 में बताओ किसका भाग देंगे, 5 का ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब 21 की बात करें तो 21 के अंदर बताओ किसका भाग जाएगा, क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं, 3 का जाएगा, हाँ 3 का जाएगा, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 का पारा कितनी बार बोले पर 21 आता है, 7 बार, तो यहां लिख देंगे 7, और फिर 7 में किसका भाग जाता है, 7 का जाता है, तो कितना जाएगा 1। जब तक 1 नहीं है तब तक आप इसको हल करते रहे। तो इसका आगे देखते हैं देखो सवाल को। तो देखो यहां पे अपने 12 लिखा, फिर 15 लिखा, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7। अब अपने को निकालने इसके HCF और LCM। देखो पहले अपन निकालते हैं इसका HCF। देखो HCF कैसे निकलेगा, HCF के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक संख्या पूरे में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो देखो यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 आ रहा है, और यहां पर भी 3 आ रहा है, ये 3 है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF, और कोई संख्या दिख रही है क्या तीनों में कॉमन, नहीं है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना HCF। तो इसका HCF तो कितना हो गया, HCF हो गया 3। अब अपने को निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो LCM का एक तरीका तो आपके पास ये है, दूसरा तरीका इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो पहले अपन एक बार इससे निकाल के देख लेते हैं LCM। तो आपको मैंने क्या बताया है, आप वो संख्या लो जो सबसे सारी संख्या लेनी है, कॉमन कोई जरूरी नहीं है। तो देखो 2 सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है अधिकतम। उसके बाद 3 कितनी बार है, एक ही संख्या में कितनी बार है, वैसे नहीं है कि एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, नहीं, एक में ही एक एक बार ही है, तो एक बार लिख दिया। फिर 5 भी है और 7 भी है, ये 5 भी है और 7 भी है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, तो सबको आपस में गुणा कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 5 से करेंगे 60। अब 60 को गुणा करना है किससे, 7 से, तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। तो ये क्या आ गया इसका LCM।
एलसीएम का एक और तरीका अपन देखते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, उससे आपने छोटी कक्षाओं में निकालना सीखा होगा। आपको मैं यहाँ एक बार निकाल के बता देता हूँ, आंसर वही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। देखो 12, 15, 21, तो इसमें अपने को क्या करना है, उस संख्या का भाग देना है। देखो सबसे पहले आपको यह चेक करते जाना है, 2 से किसी भी संख्या में 2 का भाग जाता है क्या? हाँ, 12 में जाता है, तो 12 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 6। ये 15 में नहीं जा रहा तो वैसा का वैसा, 21 में भी नहीं जा रहा तो वैसा का वैसा। फिर से देखेंगे क्या किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या? अभी भी जा रहा है। किसमें? 6 में। तो फिर से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 15 और यहां आ जाएगा 21। अभी भी देखेंगे किसी में 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ, अब किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 2 नहीं जा रहा, तो अब 3 को चेक करो। 3 में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो 3 में 3 में भाग दिया तो 1 आ गया। 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 21 में देंगे तो 7 आ जाएगा। इसके बाद में मुझे बताएंगे क्या 2 का तो जाएगा नहीं, 2 का पहले कंप्लीट हो गया। 3 का और जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 के बाद में कौन सी संख्या चेक करते हैं? 4 नहीं करना है, कौन सा करेंगे? 5। ये जो संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी? जिसमें किसी दूसरे का भाग नहीं जाए। तो कौन सी संख्या जाएगी अगली? 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग जाएगा तो ये तो एक पड़ा ही है, 5 की जगह भी कितना हो जाएगा? 5 की जगह भी अब आएगा 1 और 7 का 7। अब 7 का भाग देंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 1, 1 और 1, ये पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे गुणनखंड इस तरह से कर दिए, तीनों हल हो गए सारे, लास्ट में सब में 1 आ गया, तब अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो गुणा आपने किए ना, ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किया। क्या यहाँ पे आपने यही संख्या लिखी है क्या? देखो थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो यही संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 2 × 2 × 3 × 5 × 7 यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप दोनों तरीकों से एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे तो आप एलसीएम, इससे सिर्फ क्या निकलेगा, इस तरीके से आप सिर्फ इसका एलसीएम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन लेना, और एलसीएम में सभी संख्याएं सबसे ज्यादा बार लिखनी होती है। तो ये था इसका पहला सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में आपको वही सवाल है दूसरा, देखो यहां पर वो संख्या आपको अलग दे दी, बस सवाल उसी तरीके से करना है। तो देखो करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 17 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद मैंने लिखा 23 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद मैंने लिखा 29 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो इनके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखो 17 कौन से पाड़े में आता है? सबसे पहले 2 के आता है, 3 के, 5 के, 7 के, 11 के, 13 के और उसके बाद 17 के। तो 17 किसी भी पाड़े में नहीं आता है, 17 खुद के ही पाड़े में आता है। तो यहां 17 का ही भाग देंगे और 1 आ जाएगा। क्या 23 किसी संख्या में, 23 किसी पाड़े की संख्या में आता है क्या? नहीं आता। तो 23 में भी 23 का भाग देंगे और 1 आएगा। ये 29 में भी किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, 29 का ही जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, 17 को 17 ही लिखेंगे और 23 को क्या लिखेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड ये हैं, 23 और 29 के क्या लिखेंगे? 29 ही लिखेंगे। अब इसका निकालते हैं पहले एचसीएफ। थोड़ा सा एचसीएफ में यहां पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? एचसीएफ का ध्यान देंगे। बताओ एचसीएफ क्या आ जाएगा और फिर एलसीएम क्या आ जाएगा? क्या आप बता सकते हैं इसका एचसीएफ क्या आएगा? कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन है क्या? नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आए तो उसका एचसीएफ कितना हो जाता है? 1। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हो किसी भी संख्या के गुणा में और भाग में हमेशा 1 होता है। इसके गुणा में 1 लिख लो, इसके गुणा में 1, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या आएगी। तो 1 तो सबके गुणा में लिख ही सकते हैं, तो ये 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या ऐसी जिसका कोई अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं आ रहा हो, जितनी भी संख्या हो, 2 हो 3 हो 4 हो, अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो उसका एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सारी संख्या गुणा में आ जाएगी, 17 × 23 × 29 और आप इसको हल कर लेंगे। हल करने पर क्या आएगा? 17 को किससे गुणा करना है? 23 से गुणा करना है। 23 को फिर उससे आंसर को किससे गुणा करना है? 29 से। तो इसके अपन गुणा करके और यहां पर इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आंसर निकालने पर क्या आएगा ये आप
चेक करें तो देखो गुणा करके देख लेते हैं, यहां जल्दी से 17 को गुणा किया 23 से, 17 को गुणा कर लेते हैं 23 से, तो कितना आ जाएगा 7 21 17 18 19 और यह आ जाएगा 391। अब 391 जो 91 आया है ठीक है, 321 को फिर से किससे गुणा करना है 29 से, तो 29 से आप गुणा कर लो, जो आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9, यहां जाएगा 3, यहां जाएगा 27 प्लस 0 प्लस 18 प्लस 8 यह देगा 53, फिर से 5, फिर इसको करेंगे 3 6 6 और 5 11 का 1 फिर 1 इसको गुणा करेंगे 1 कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 11,339। आप फिर से एक बार गुणा करके चेक कर लें, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए गुणा में, तो आप अच्छी तरह इसको चेक करके देख लें और आंसर का मिलान करके देख लें क्या यही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप इसका HCF और LCM निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान से तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका HCF और LCM। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, तो तीसरे प्रश्न में भी आपको क्या दिया हुआ है, संख्या दे रखी है, एक तो दे रखा है 8, दूसरा दे रखा है 9 और इसके बाद दे रखा है 25। तो 8 में 2 का भाग जाता है तो कितना आ जाएगा 4, 4 में भी 2 का भाग जाता है कितना आएगा 2, 2 में 2 का भाग जाएगा 1, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक हल करते रहेंगे। 9 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं, तो 3 का जाता है तो 3 का भाग देंगे यहां जाएगा 3, फिर से 3 का भाग देंगे 1। 25 में बताओ 2 का 3 का 5 का किसका जाता है, तो 5 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता है 25 में, तो यहां पर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा और यहां 5 का फिर से भाग देंगे 1। यहां 25 में 5 का भाग दिया तो 5 बार भाग जाता है, फिर 5 में किसका 5 का ही भाग देना पड़ेगा, तो फिर से आप वैसे ही लिख लें, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ठीक है, पहले निकालते हैं इसका HCF, तो बताओ क्या आएगा इस बार HCF, आप बताएंगे, देख लो कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, कोई संख्या दिख रही है क्या कॉमन, नहीं है, एक भी देखो इसमें सारे 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM, LCM निकाल लेते हैं, सभी संख्याएं आप लिखेंगे, सबसे पहले देखो सबसे छोटी संख्या 2 है, सबसे ज्यादा बार इसमें कॉमन नहीं देखना होता है, सबसे ज्यादा बार देख लो 2 × 2 × 2 गुणा 3 × 3 गुणा 5 × 5 इनकी सबकी आपस में गुणा कर लो आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपके पास टाइम नहीं हो ना तो इसको पावर में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ऐसा भी इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम हो तो आप इसको सॉल्व ही कर दें। तो देखो इसको मैं गुणा करके लिख देता हूं सारा कितना आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 2 से करेंगे 50, 100, 100 को 2 से करेंगे 200, 200 को 9 से गुणा करेंगे 9 × 2 = 1800, 1800 कितना आंसर आ जाएगा 1800। आप गुणा करके चेक कर लें, फिर से ये चेक करके देख लें कि ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये इसका था कौन सा, इसका तीसरे का तीसरा सवाल, उम्मीद है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इस तरह के एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला जो क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन वो दे रखा है, HCF दे रखा है संख्या का ये है, यानी दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है 306 और दूसरी है 657, इनका HCF 9 है ठीक है। LCM आपको इसको ज्ञात करना है, इन्हीं संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। देखो दे रखा है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 9 दे रखा है इसका HCF, फाइंड द LCM इसका फाइंड करना है, इन्हीं नंबर का LCM फाइंड करना है। तो आपको स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि जब आप बेसिक वाला के पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और उसका HCF और LCM, तब हमने एक बात की थी कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है
HCF इंटू LCM, ये हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर। बस इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए ये सवाल अपन अभी एक मिनट में कर देंगे बहुत ही आसान से तरीके से। तो देखो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है 306, ठीक है। दूसरी संख्या कौन सी है 657। HCF कितना है इसका 9, और LCM अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने को पता है, यहां लिखेंगे हम जानते हैं या सूत्र से, हम जानते हैं कि वी नो दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। मान रख दो इसके अंदर ए का मान कितना है 306 गुना बी का मान कितना है 657 गुणा बराबर एच सी एफ का मान कितना है 9, और एल सी एम अपने को ज्ञात करना है। तो आपको पक्षांतर तो करना ही आता होगा, क्या एलसीएम का मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इस 9 को इधर लाएंगे, 9 क्या है गुना के अंदर, इधर आएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा 657 बटे क्या कर देंगे 9 कर देंगे। अब ये 9 के पड़े से दोनों ही संख्या कट रही है, आप चाहे जो संख्या काट सकते हैं। देखो किस तरह से 9 एकम 9, ये कितनी बार कटेगा, 9 7 63 होता है, उसके बाद बचा 2 और 9 3 कितना होता है 27 73। अब 73 को किससे गुणा करना है 306 से, गुणा कर लेते हैं 73 को 306 से, ये इससे गुणा कर लो तो 6 3 18 3 3 9 6 7 42 7 21, तो इसको जोड़ लेते हैं, यह आ जाएगा इसका आंसर। तो HCF कितना आ जाएगा 22,338 गुना, आप फिर से चेक कर लें। देखो जब भी गुणा करते हैं एक बार आप चेक कर लें ताकि आंसर सही आए, अपने आंसर में कोई मिस्टेक नहीं आए। कितना था अपना आंसर 22,347, तो यहां पर अपन आंसर लिख देते हैं 22,338 इसका आंसर है। तो ये आप इस तरह से इसका एलसीएम, ये क्या आया है, ये आया है इसका एलसीएम। तो इस सूत्र से आप ये भी चीजें निकाल सकते हैं। आपको कभी कभी यहां पर ए का मान दे देगा, बी का दे देगा, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा होता है एचसीएफ भी दिया होता है, एलसीएम भी दिया होता है, एक संख्या दे देता है और बी वाली संख्या आपसे पूछ लेता है। आपको क्या करना है, इसी सूत्र को ध्यान में रखना है और संख्या रख के आप कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। तो ये था इसका चौथा सवाल, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है पांचवा सवाल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। आपको चेक करना है वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अपन इस 6 की घात को सॉल्व करें, ठीक है। यहां पर n क्या है, n प्राकृत संख्या है, आपको क्या करना है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर लेना है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो आसानी से समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है 6n यहां पे कुछ भी रखो, इस n की जगह आप कोई भी प्राकृत संख्या रखो, इसको सॉल्व करने पर क्या इकाई का अंक 0 आ सकता है क्या, चेक करके देख लेते एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 6n है, ठीक है, इसकी जगह 6 रख के देखते हैं। एन बराबर अपने क्या रखा, 1, तो 6 का मतलब होता है 1। n बराबर 2 रख के देख लेते हैं, 6 2 मतलब कितना होता है 6 × 6 यानी कितना हो गया 36। n की जगह 3 रख के देख लेते हैं, 6 3 बराबर 6 × 6 × 6 6 6 36 36 को 6 से गुणा करेंगे 216। तो क्या कहीं पर भी आपको दिखा क्या, 4 और रख के देख लेते हैं, चलो एक और रख के देख लेते हैं n की पावर 4, तो n की पावर 4 मतलब होता है 6 × 6 × 6 × 6, 216 को और 6 से गुणा कर दो, तो 216 को 6 से गुणा किया, 6 × 6 = 36, 3 6 और 3 9, 6 × 12 कितना आ जाएगा 1296, कितना आ जाएगा 1296। तो क्या कहीं आपको अंक क्या दिखाई दे रहा है इकाई का अभी तक,
देखो हमने पहले छह की घात एक की तो इकाई का अंक आ रहा है छह, दो घात की तब भी छह आ रहा है, तीन घात की तब भी छह, चार घात की तब भी छह, तो क्या छह के अलावा कोई अंक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो आप कितनी भी एक्स की यहां एन की घात कितनी भी रख दो, इकाई का अंक छह ही आएगा। तो दस कब आता है? अपन क्या करते हैं, छह के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो छह को आप क्या लिख सकते हैं, छह की पावर एन को आप लिख सकते हैं दो गुणा तीन। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? दो गुणा तीन। तो जब दो गुणा तीन आ रहा है, दो तो आ रहा है, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच आए तभी उसका इकाई का अंक जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः छह की पावर एन के अभाज्य गुणनखंड में पांच नहीं है, अतः छह की पावर एन का कौन सा डिजिट पूछा था, प्राकृत संख्या छह अंक पर समाप्त, पावर एन जीरो पर समाप्त नहीं होगी। देखो आपने संख्या निकाल के देखी, आप चाहे तो एक दो और निकाल के देख ले, छह की पावर पांच रख के देख ले, छह की पावर छह रख के देख ले, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, दो और तीन आ रहे हैं। अगर दो और तीन किसी में भी, दो और तीन भले कितने आए, दो और पांच भी आने चाहिए, और भले कोई भी अंक हो, तीन हो सकता है, सात हो सकता है, ग्यारह हो सकता है, लेकिन इसके साथ में दो और पांच बहुत जरूरी है, अगर अंक लास्ट डिजिट आपको जीरो लाना है तो। तो इसके लिए आपको ये इस तरह से करना होगा। ये था इसका अगला सिंपल सा सवाल, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला छठा सवाल। देखो छठे सवाल में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, पहली संख्या एक तो ये दे रखी है और दूसरी दे रखी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं भाज्य संख्याएं, क्यों हैं ये बताना है। तो पहले तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। व्हाट, देखो ये दिखा है एक्सप्लेन वाई, ये आपको नंबर दे रखा है आर कंपोजिट नंबर। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कौन सी होती है जिसमें किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, खुद के अलावा, ठीक है, खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, यानी उसके आप गुणनखंड करो, उसके फैक्टर करो, तो फैक्टर हमेशा एक तो वो खुद संख्या आएगी, एक तो वो समय खुद संख्या होगी और उसके अलावा एक होगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। मतलब आप सिंपल सी बात करें तो ऐसी संख्या जिसमें किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ एक के अलावा, ठीक है, बिना पॉइंटों में। और भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वे होती है जिसमें दूसरी संख्या का भाग चला जाए, दूसरी संख्या का भाग चला जाए, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो आपको यह बताना है कि ये दोनों ही संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्या है, मतलब किसी दूसरी का भाग चला जाएगा। तो पहले अपन लिखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। आप इस संख्या को जरा गौर से देखें तो आप क्या पाएंगे कि यहां पर दो पद दिए हुए हैं इसके, देखो एक तो ये है और इसके बाद में ये है, तो क्या आप बता सकते हैं इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? अगर मैं चाहूं तो यहां 13 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचेगा, 7 × 11, यहां से 13 कॉमन ले लिया प्लस यहां से 13 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एक, क्या बचेगा, एक। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड, अतः इसका एक गुणनखंड क्या है, 13 है। अभी मैंने क्या कहा, या तो ये पूरी संख्या को गुणा करने पर, हल करने पर जितनी संख्या आनी चाहिए, एक तो सिर्फ उसका भाग जाए और दूसरा किसका, एक का, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए, लेकिन जैसे ही आपने कॉमन लिया 13, इसका मतलब इसके अंदर 13 का तो 100% भाग जाएगा। आप किसी भी संख्या लिखो जैसे x,
x प्लस वाई और यहाँ पे आपने 13 लिख रखा है, क्या इसके अंदर 13 का भाग नहीं जाएगा? पूरा 13 का भाग दोगे जाएगा। और इसी का मतलब ये है कि ये जो आपने संख्या लिखी है इसका एक गुणनखंड 13 है, अतः यह एक बाध्य संख्या है। क्या है? बाध्य संख्या है। इसी तरह अपन दूसरा सवाल भी आप दूसरा तो कर ही सकते हो, उसके उसमें देखो क्या होगा, इसी तरह ही होगा। देखो सवाल लिखा है कौन सा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें आपको कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अपन यहां पे कर लेते हैं। 5 ले लिया मैंने कॉमन, तो 7 × 6 × 4 5 कॉमन आ गया, 5 यहां नहीं लिखेंगे, 3 × 2 × 1 + यहां पर 5 में से 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1, तो लिखेंगे इसका भी एक गुणनखंड 5 है, अतः यह भी एक बाध्य संख्या है। क्या है? बाध्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अपन 5 का भाग देंगे तो यहां 5 गुणा में तो 100% 5 का भाग तो पूरा जाएगा। तो आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला अंतिम सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल आपको कंपटीशन में भी देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। तो देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल बहुत बड़ा है तो पहले इसको समझ लेते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है। एक क्या बना हुआ है? वर्ताकार पथ बना हुआ है। यानी वर्ताकार पथ किस तरह से बना हुआ है, अपन बना लेते हैं, एक वर्ताकार पथ बनाते हैं। वर्ताकार पथ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये एक वर्त बना हुआ है, इस तरह से कोई ग्राउंड बना हुआ है मतलब, ठीक है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी आप थोड़ा सा इस सवाल को तरफ ध्यान दें तो मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दोनों ने क्या किया, यहां से दोनों ने एक साथ इस तरफ भागना स्टार्ट किया। एक तो कौन सा है, सोनिया है, दूसरा है रवि। एक तेज भाग रहा है, एक धीरे भाग रहा है। अब रवि तो तेज भाग रहा है क्योंकि उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 12, और इसको कितने लग रहे हैं, 18, मतलब जिसको ज्यादा समय लग रहा है वो धीरे भाग रहा है। तो रवि जब तक यहां पहुंच चुका था तब तक सोनिया तो यहीं पहुंची थी, ठीक है। आगे देखो सवाल को पढ़ते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों ने एक साथ और एक ही तरफ चलना प्रारंभ किया, दोनों इस तरह से ऐसे भाग के इधर आ रहे हैं, ठीक है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वापस कब इसी स्थान पर वो मिल जाएंगे? जब ये यहां रवि पहुंचेगा तब तक तो सोनिया यही पहुंचेगी, रवि यहां पहुंच जाएगा तब तक सोनिया यही पहुंचेगी, दूसरे चक्कर में फिर रवि यहां पहुंचेगा सोनिया। तो जब तक ऐसा भी हो सकता है कि वो जब 10 चक्कर लगा ले, रवि के 10 चक्कर पूरा हो जाए तब सोनिया के 8वें चक्कर में वापस यहां के मिले, कैसे निकाल सकते हैं? तो ऐसा सवाल जब भी आए तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कितने समय बाद यहां मिलेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले कौन सा नाम दे रखा है, सोनिया। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बताओ कितना है, 18 मिनट आपको दे रखा है, ठीक है। दूसरा है रवि, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय है 12 मिनट, ठीक है, कितना है 12 मिनट। अब इसको हल करते हैं तो देखो 12 और 18 का एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हो दोनों का एक साथ, तो ये 12 और ये 18,
तो सबसे पहले दो का भाग दिया तो ये कितना देगा छह, और यहाँ कितना आएगा, कितना जाएगा यहाँ पे नौ, फिर से दो का भाग दिया यहाँ आ गया तीन, यहाँ नौ, फिर से भाग दिया, अब दो का भाग जाएगा नहीं तीन का दिया तो यहाँ एक, यहाँ तीन का भाग देंगे तो एक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका दोनों का एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम जो आ गया दोनों का वो आया दो इंटू दो इंटू तीन इंटू तीन। इसको हल कर लेते हैं, दो को दो से गुणा करो चार, चार को तीन से किया बारह, बारह को तीन से किया बारह तीय छत्तीस, यानी इसका आंसर छत्तीस आया। तो वो भाग रहे थे, ये मिनट दे रखा था, तो छत्तीस मिनट बाद वापस वो वही मिल जाएंगे, कितने मिनट बाद, छत्तीस मिनट बाद वापस वही मिल जाएंगे। कैसे, अभी आपको समझाते भी है इसका आंसर, ये छत्तीस मिनट कैसे आया, तो लिखेंगे यहां पे, देखो इसका आंसर लिख देते हैं, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही करना है ध्यान रखना, ये आप करने के बाद में ये लिखेंगे। अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पर छत्तीस मिनट बाद मिलेंगे, कितने मिनट बाद है, छत्तीस मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब देखो, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो यहां पर, छत्तीस जो आंसर है ना उसको थोड़ा सा समझो, एक बारह मिनट में पूरा कर रहा था, एक अठारह, तो देखो बारह मिनट वाला छत्तीस मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा, बारह एकम बारह, बारह दूने चौबीस, बारह तीय छत्तीस, इसके चक्कर हो जाएंगे जब तक तीन, और ये कितने लगाएगा, अठारह दूने छत्तीस, ये दो ही चक्कर लगाएगा, तो जब इसके तीन चक्कर पूरे होंगे किसके, रवि के, तब तक सोनिया दो ही चक्कर लगाएगी और वापस दोनों यही मिल जाएंगे, समझ आ गया। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी 1.2 प्रश्नावली के बाकी बचे हुए सवाल। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख के, अगर आपने ये देखा है तो निश्चित तौर पे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना क्वेश्चन या जो डाउट है वो भेज सकते हैं, हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।